ओके सो लास्ट क्लास में अपन ने लिक्विफैक्शन ये प्रिंसिपल देखा था उसी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अपन देन विल मूव ऑन विद द कॉन्सेप्ट ठीक है वी शुड बी एबल टू फिनिश अवर चैप्टर टुडे एंड शुड बी अर्ली एक्चुअली सो यहाँ पे देखो वी हैव प्रेशर एंड टेम्परेचर का ग्राफ है इसको अपन बोलते हैं आइसोथर्म ओके दिस इज एक्चुअली एन आइसोथर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो दिस इज बेसिकली नथिंग बट अ बॉयल ग्राफ एट वेरियस डिफरेंट टेम्परेचर्स यही है ठीक है ना जैसे जैसे अपन टेम्परेचर लो कर रहे उससे अपन देख रहे हैं कि किस तरह का अपने को ग्राफ मिलता है तो सबसे पहला जो लाइन आता है दैट इज दिस ओके सो वी स्टार्ट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ठीक है एट अ हाई टेम्परेचर विच इज़ फिफ्टी डिग्री सेल्सियस कार्बन डाइऑक्साइड ये गैशियो स्टेट में ही रहेगा एंड देन वी कंप्रेस ठीक है ना वॉल्यूम कम करते हैं अपन ऑब्बियसली कंप्रेस कर रहे हैं अपन तो क्या होगा प्रेशर इंक्रीज होगा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ठीक है सो दैट इज वॉट वी सी वी सी द लाइन गोइंग दैट दिस इज नथिंग बट अ बॉइल्ड ग्राफ वाली जो लाइन थी ना वही है ये ओके सो नथिंग स्पेशल हैपन इन दिस एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर फिर अपन ने क्या किया टेम्परेचर अपन कम करते हैं थर्टी वन पॉइंट वन डिग्री बेसिकली स्टेजेस में डिक्रीज कर रहे हैं लेकिन uh, अगर जैसे फिफ फोर्टी नाइन करते हैं या फोटी एट करते तो ये सेम लाइन मिलेगा आपने को जस्ट इंटरमीडिएट लाइन अपन यहाँ पे दिखा नहीं रहे काफ़ी सारे यहाँ पे लाइंस मिलेंगे वो लाइंस अपन नहीं दिखा रहे एट वेरियस डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टेम्परेचर ठीक है बट एट थर्टी यू गेट द सिमिलर लाइन इज नॉ डिफरेंस दे आर ओके यू गेट द सिमिलर लाइन थोड़ा सा नीचे रहेगा बिकॉज द टेम्परेचर इज़ लो सो दैट इज़ द लाइन एट थर्टी वन डिग्री सेल्सियस ठीक है अगेन सिमिलर यू नो बॉयल ग्राफ अपने को मिल रहा है यहाँ पे समथिंग स्पेशल स्टार्ट्स टू हैपन व्हेन यू रिड्यूस द टेम्परेचर टू थर्टी पॉइंट नाइन एट डिग्री सेल्सियस ओके ये टेम्परेचर पे जब अपन कार्बन डाइऑक्साइड को लाते हैं और उस समय जब अपन इसको कंप्रेस करते हैं तो वॉट हैपन्स वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड प्रेशर इंक्रीजेस एज यूजल अप टू सर्टन पॉइंट ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट रीजन मिलता है इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पे कि जब मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ ठीक है ना तो वॉल्यूम तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन प्रेशर डिक्रीज सॉरी प्रेशर इंक्रीज नहीं हो रहा है इज एट इट फ्लैट रीजन का मतलब क्या होता है जैसे यहाँ पे जो फ्लैट रीजन अपने को मिल रहा है दिस पर्टिकुलर पॉइंट ठीक है छोटा सा फ्लैट रीजन है बेसिकली कि वी आर कंप्रेसिंग द गैस वॉल्यूम तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन प्रेशर इंक्रीज नहीं हो रहा है ठीक है तो ये थोड़ी देर तक लास्ट करता है फॉर वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम और उसके बाद जैसे फिर से मैं इसको वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहा हूँ ठीक है ना वॉल्यूम को जैसे मैं डिक्रीज कर रहा हूँ वैसे वैसे फिर प्रेशर फिर से इंक्रीज होने लगता है और यहाँ पे थोड़ा अपने को ज्यादा स्टीप इंक्रीज मिलता है ओके दिस इज बेसिकली अ वेरी स्टीप इंक्रीज और तो ये जो पॉइंट हो रहा है दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विफाई हो रहा है एट दैट टेम्परेचर ओके अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करता हूँ तो ये लिक्विफाई हो रहा है दैट इज़ वाट इट मीन्स इट इज़ लिक्विफाइंग एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर ठीक है इस टेम्परेचर को अपन बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर इसको इंडिकेट करते हैं अपन बाय टीसी ओके क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि इट इज़ द टेम्परेचर अबब विच कैन नॉट बी लिक्विफाइड समझ में आया ना क्रिटिकल टेम्परेचर हर गैस का एक अलग अलग रहेगा इट विल डिपेंड अपॉन उट्स इट्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वेंडरवाल फोर्सेज या हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्सेज इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा तो हर गैस के लिए एक अलग क्रिटिकल टेम्परेचर रहेगा तो कोई गैस लो टेम्परेचर पे लिक्विफाई किया जा सकता है कोई गैस हाई टेम्परेचर पे लिक्विफाई किया जा सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या मैं कार्बन डाइऑक्साइड को रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाई कर सकता हूँ द आंसर इज यस क्यों? क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर इज अबाव रूम टेम्परेचर बराबर है क्रिटिकल टेम्परेचर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का दैट इज अबाव मोर देन रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर अपन 25 डिग्री सेल्सियस पकड़ रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस ठीक है तो दैट टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर इज थर्टी पॉइंट नाइन एट थर्टी वन डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हो बट इट हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक थर्टी पॉइंट थर्टी वन पे मगर मैं एग्जैक्टली थर्टी वन लेता हूँ थर्टी वन डिग्री सेल्सियस तो भी ये लिक्विफाई नहीं होगा नो मैटर हाउ हाई द प्रेशर इज ठीक है समझ में आया ना बट एज सुन एज ए गेट टू थर्टी पॉइंट नाइन एट डिग्री सेल्सियस इट स्टार्ट्स टू बिकम अ लिक्विड यहाँ पे अपने को फर्स्ट ड्रॉप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड मिलता है ओके एंड एट दैट पॉइंट यू गेट अ फ्लैट रीजन एंड उसके बाद इट बिकम्स अ लिक्विड एंड जस्ट ट्राई टू कंप्रेस दैट लिक्विड ठीक है ना नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टेम्परेचर टू नो द क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल गैसेज ठीक है मतलब अपने को पता चलेगा कि अगर किसी लिक्विड किसी गैस को अगर लिक्विड स्टेट में अगर लाना है तो अपने को टेम्परेचर उसका उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे लाना पड़ेगा रिजेंट तभी वो लिक्विफाई होगा अदरवाइज तुम कितना भी उसको कंप्रेस करो कितना भी उसको प्रेशराइज करो वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा ठीक है सो so, यहाँ पे क्या हो रहा है जैसे कोई ऑक्सीजन है ठीक है ना या नाइट्रोजन है इसको अगर मेरे को लिक्विड पे लेके जाना है लिक्विड बनाना है इसको सो वन वे की अपन रूम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करें लेकिन इनका क्रिटिकल टेम्परेचर लो रहने के वजह से ये कभी भी लिक्विड स्टेट में नहीं जाएंगे जस्ट बाय कंप्रेसिंग द गैसेस तो मेरे को क्या करना है टेम्परेचर लोअर करना पड़ेगा बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर जब मैं ऐसा करूंगा और फिर उसको कंप्रेस करूंगा तो जाके ये लिक्विफाई होगा ठीक है लेकिन इफ यू टेक्स फॉर एग्जाम्पल एन एच थ्री ठीक है एनएस थ्री में स्ट्रांग फोर्सेस है दिस कैन बी इजीली लिक्विफाइड आइदर बाय लोअरिंग द टेम्परेचर और बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर और इस केस में लोअरिंग टेम्परेचर इज एक्चुअली द इजिएस्ट वे टू डू इट मैं क्या करूंगा टेम्परेचर को लोअर कर दूंगा ओके जीरो डिग्री सेल्सियस पे ला लेता हूँ टेम्परेचर को विच इज़ वेरी इजी टू डू है ना आइस सॉल्ट बाथ या आइस बाथ से भी मैं लो टेम्परेचर अचीव कर सकता हूँ जस्ट आइस बाथ चलेगा बेसिकली ठीक है तो आई थोड़ा सा लो कर देता हूँ टेम्परेचर अमोनिया लिक्विड स्टेट में आ जाएगा ठीक है मेरे को प्रेशर चेंज करने की ज़रूरत नहीं रू एटमोस्फेरिक प्रेशर पे ही ये हो रहा है ओके सेम थिंग गोज़ फॉर मेनी गैसेज लाइक जैसे एच हो गया उसके लिए भी अगर मैं लो कर देता हूँ टेम्परेचर तो इट कैन ऑल्सो लिक्विफाई ओके फॉर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या जरूरी है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर इज ऑलरेडी अबाव द रूम टेम्परेचर इज इट तो मेरे को अभी टेम्परेचर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है मैं रूम टेम्परेचर पे ही इसको कंप्रेस करूँगा तो भी ये लिक्विड स्टेट में चले जाएगा ओके सो वंस वी हैव दैट क्रिटिकल टेम्परेचर दैट इज कांस्टेंट फॉर स्पेसिफिक गैस ठीक है ना ये कांस्टेंट रहेगा उस स्पेसिफिक गैस के लिए मतलब दैट इज़ द टेम्परेचर वे द लिक्विफैक्शन विल स्टार्ट एट दैट टेम्परेचर ओके और अगर को लिक्विफाई करना है तो इससे नीचे वाला टेम्परेचर ही चूज करना पड़ेगा ओके सो वट विल डू इज नाउ विल टेक अनदर टेम्परेचर 21.5 डिग्री सेल्सियस ध्यान से सुनो क्या हो रहा है ठीक है ना ध्यान को भटकने मत दो 21.5 डिग्री सेल्सियस मतलब काफ़ी लो टेम्परेचर हो गया तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस आसानी से लिक्विड स्टेट में चले जाएगा आसानी से बोले तो जल्दी यू कैन सी दैट ये यहाँ पे लिक्विड स्टार्ट लिक्विफैक्शन स्टार्ट हो रहा है और हायर टेम्परेचर पे यहाँ पे लिक्विफैक्शन स्टार्ट हो रहा है इट सो so, जैसे जैसे लोअर टेम्परेचर अपन करेंगे वैसे वैसे उसका लिक्विफैक्शन क्या होगा जल्दी होगा एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट वी सी सो वी स्टार्ट फ्रॉम हियर दैट इज द पॉइंट ए यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी आर रिड्यूसिंग द वॉल्यूम मतलब कंप्रेस कर रहे हैं. कर जैसे जैसे कंप्रेस करेंगे वैसे वैसे, वैसे प्रेशर बढ़ेगा पॉइंट बी आएगा एट दिस पॉइंट बेसिकली देर इज देर इज नो चेंज इन प्रेशर ठीक है क्योंकि यहाँ पर लिक्विफेक्शन स्टार्ट हो रहा है ओके स्टार्ट होगा सो वे आर बेसिकली जितना भी अपन कंप्रेशन कर रहे हैं इसका ठीक है वो सारा कंप्रेशन गेटिंग यूज टू गेटिंग दैट गैस इन टू लिक्विड स्टेट इसीलिए यहाँ पर प्रेशर कोई चेंज नहीं हो रहा है बहुत कम चेंज होता है प्रेशर बेसिकली थोड़ा सा फ्लक्चुएशन तो होता है ये आइडियलाइज्ड ग्राफ है एकदम बट थोड़ा सा तो उसको अपन निगलेक्ट कर रहे हैं ठीक है ना अगर एक्चुअल ग्राफ देखोगे थोड़ा सा तुम इतना तुमको इतना शार्प लाइन्स नहीं दिखेगा तुमको ओके दे आर बेसिकली गोइंग टू बी लाइक दिस ओके इस तरह से इस तरह से दिखेगी तुमको लाइन्स सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली डू दैट ये इस तरह से लाइन्स दिखते हैं तुमको ओके सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मतलब रीड करना उसको एट दिस लेवल ओके जनरली रिसर्च लेवल पे उसको अपन ये करते स्टैंडर्डाइज करते हैं बट यू नो इतना शार्प लाइन नहीं मिलेगा बट एनी वे दैट इज द ग्राफ ओके तुमको यही ग्राफ ड्रॉ करने का है सो यहाँ पे क्या हो रहा है लिक्विफैक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे एंड हो रहा है मतलब पूरे के पूरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो गया लिक्विड स्टेट में चले गया ओके एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड अब जब मैं कंप्रेस कर रहा हूँ तो मैं काय को कर रहा हूँ लिक्विड को तो देखो प्रेशर कितना स्टीपली इंक्रीज हो रहा है ओके okay? प्रेशर इंक्रीज है स्टीपली क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड में बहुत कम होती है ओके सो इट इज़ इंक्रीजिंग वेरी स्टीपली प्रेशर बहुत ज़्यादा स्टीपली इंक्रीज हो रहा है एट दिस पॉइंट ठीक है ना सो so ये, ये हो गया अगर मैं और टेम्परेचर लो करता हूँ तो देखो लिक्विफेक्शन और जल्दी स्टार्ट होगा ओके okay, देखो यही पे स्टार्ट हो रहा है लिक्विफेक्शन एंड देन आई कैन डू दैट देखो काफ़ी रेंज तक मेरे को ये मिलता है बेसिकली आई एम कंप्रेसिंग ठीक है तो बहुत ज़्यादा जो गैस है देखो पूरे के पूरा लिक्विड स्टेट में नहीं जा रहा है ये ध्यान में रखना ठीक है ना ये ये नहीं है कि हंड्रेड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया हम क्या बोल रहे हैं कि मोस्ट ऑफ़ द गैस इज गॉटन लिक्विफाइड क्योंकि तभी तो अपने को प्रेशर मिल रहा है ना अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ so सो आई एम बेसिकली ट्राइंग टू कंप्रेस दैट लिक्विड मोस्ट ऑफ इट इज़ थोड़ा सा गैस तो बचा रहेगा उसमें गैस और लिक्विड का इक्विलिब्रियम होता ही है ठीक है ना लेकिन यहाँ पे बहुत कम गैस बचा रहेगा तो इसका मतलब और ज़्यादा प्रेशर मेरे को लगाना पड़ेगा और ज़्यादा कंप्रेशन मेरे को करना पड़ेगा और ऐसा करता हो तो ज़्यादा प्रेशर मेरे को देखो और ज़्यादा स्टीप इंक्रीज है ओके सो so, यहाँ पे तुमको ये तीन जो लाइंस दिख रहे हैं तुमको लेट मी जस्ट हाईलाइट दोज लाइंस, ओके ये एक लाइन हो गया ये एक लाइन हो गया इसको थोड़ा सा ये हो रहा है तुमको दिख रहा है अरे एक लाइन हो गया ऑब्वियसली तुमको क्या दिख रहा है स्लोप जो है एज यू गो इन दिस डायरेक्शन ठीक है ना ये मान लो कि दिस इज ए दिस इज बी एंड एं सी सो ए टू बी टू सी इस तरफ जा रहे हो तुम ठीक है ना तो तुमको क्या दिख रहा है स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है इट ए लाइन का स्लोप सबसे कम है इसमें और उसके बाद बी और उसके बाद सी सो so जैसे जैसे अपन टेम्परेचर लोअर करते हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है कि ज़्यादा गैस लिक्विड स्टेट में जा रहा है और इसके वजह से कम गैस बचा है ऊपर में ठीक है ना कंटेनर है ठीक है और इसको मैं कंप्रेस कर रहा हूँ माल ठीक है आई एम जस्ट ट्राइंग ये जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए जानना बट uh, मैं जस्ट एक तुमको थोड़ा ज़्यादा आइडिया देना चाहता था दैट्स ऑल ओके सो अपन ने कंप्रेस किया तो मोस्ट ऑफ़ द गैस लिक्विड स्टेट में सॉ मोस्ट ऑफ़ द गैस लिक्विड स्टेट में चले गया ठीक है ना एंड देन सम ऑफ इट स्टिल लेफ्ट देयर ओके तो ये कुछ बचा हुआ है गैस पार्टिकल्स सॉरी ओके सो यहाँ पे मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ ठीक है ना तो अगर मैं कंप्रेस कर रहा हूँ इसको तो यहाँ पे देखो बहुत कम लिक्विड बन रहा है तो ये जो गैस है दैट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इंटू लिक्विड तो यहाँ तक क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ़ इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड देखो ये अपन चार लाइन ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है समझ में आया ना ये आइडियलाइज सिचुएशन है लेकिन थोड़ा बहुत तो गैस बचा ही रहेगा ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैस बचा रहेगा थोड़ा बहुत लिक्विड हो गया लेकिन अभी भी गैस बाकी है लेकिन ज़्यादा गैस बाकी है तो यहाँ पे देखो उस गैस को कंप्रेस कर रहा हूँ मैं एट द सेम टाइम लिक्विड को भी कंप्रेस कर रहा हूँ इसलिए ये जो लाइन है ये ज़्यादा स्टीप नहीं है इसका स्लोप कम है ठीक है यहाँ पे और थोड़ा ज़्यादा गैस बन गया और थोड़ा ज़्यादा लिक्विड कन्वर्ट हो गया मतलब कम गैस बाकी है ओके एट द एंड ऑफ इट तो यहाँ पर मैं उस कम गैस को प्लस लिक्विड को कंप्रेस कर रहा हूँ इसलिए इसका स्लोप कम है है ना इससे ज़्यादा है बट थोड़ा सा कम है और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द गैस अपन बोल सकते हैं वो लिक्विफाई हो गया है बहुत कम गैस बात की है एक्चुअली और इसको अपन कंप्रेस कर रहे हैं अभी है ना इसको अपन कंप्रेस करना चाहते हैं पूरा रिज इट तो ये अभी क्या होगा कि बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप वाला लाइन मिलेगा आपने को ठीक है यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द स्लोप्स एंड दिस थिंग बेसिकली तुमको ये ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे अपन टेम्परेचर लोअर करते हैं तो रीजन देखो ब्रॉड यहाँ पे पॉइंट रीजन है फिर लोअर टेम्परेचर किया तो रीजन बड़ा हो गया फिर यहाँ पे किया तो और ज़्यादा बड़ा हो गया ओके okay? तो ये जो पॉइंट्स है लिक्विफैक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ठीक है दिस इज़ नॉट आइडियल मतलब आइडियल में ऐसा नहीं होता है रियल सिचुएशन में आइडियल तो सिचुएशन की बात कर रहे हैं अपन तो वहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि दिस इज़ फ्रॉम हेयर टू हिदेयर ओके ये हो रहा है क्लियर है क्या सो so यहाँ पे बी पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लिक्विफैक्शन सी पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है और सी पॉइंट के बाद में अपन किसको कंप्रेस कर रहे हैं लिक्विड को कंप्रेस कर रहे हैं एंड दैट्स वाई द स्लोप बहुत ज़्यादा अपने को प्रेशर लगाना पड़ता है टू कंप्रेस द लिक्विड एंड दैट्स वाई यू यू सी वेरी शार्प इंक्रीज इन स्लोप ऑफ द लाइन है ना प्रेशर लाइन जो है उसमें बहुत ज़्यादा शार्प इंक्रीज मिलता है ठीक है नेक्स्ट चीज़ जो अपन ने जो डिस्कस किए थे वो ये थी कि बेसिकली uh, वॉट इज वाट इज़ दिंग ओके मतलब कि ये जो है बाउंड्री बाउंड्री रीजन ठीक है ना ये बाउंड्री रीजन क्योंकि अपना जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी रिलेटेड टू दैट ओके तो ये रेड लाइन जो है दैट इज़ बेसिकली द बाउंड्री रीजन कौन से कौन से स्टेट्स अपने को मिल रहे हैं देख लो मैं तुमको यहाँ पे शेडेड रीजन से बताता हूँ ओके सो ये एक रीजन आ गया ये बताओ कौन सा रीजन होता है दैट इज़ अ लिक्विड रीजन ठीक है ना सो दिस इज एक्चुअली लिक्विड एंड गैस बाइनरी रीजन बाइनरी फेज ठीक है ये बाइनरी फेज है बेसिकली यहाँ पे दोनों फेजेस है लिक्विड भी फेज है गैस भी फेज है और इसके बाद वाला जो रीजन आता है बेसिकली जो एंटायर रीजन है विच सॉरी ओके okay, ये वाला पूरा रीजन इसको क्या बोलते हैं अपन कौन सा रीजन है ये इसके पूरा फिर ओके okay? पूरा 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 इसको क्या बोलेंगे ओके दिस इज अ गैस फेज गैस फेज ठीक है ना सो so बेसिकली अगर तुम ये रीजन देखो ये रीजन ठीक है मैं जस्ट ब्रॉड कर देता हूँ इसको थोड़ा सा देखो मैं गैस से लिक्विड स्टेट में यहाँ पे डायरेक्ट जा रहा हूँ विदाउट एक्चुअली गोइंग थ्रू है ना विदाउट एक्चुअली गोइंग थ्रू दिस बाइनरी फेज है ना मैं यहाँ से अगर जा रहा हूँ जैसे यहाँ से ओके गैस तो मेरे को लिक्विड गैस स्टेट मतलब वो ट्रांजिशन फेज से जाना ही पड़ेगा उसके बाद मैं लिक्विड स्टेट में आ रहा हूँ या लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे डायरेक्ट एक्चुअली आई एम कमिंग फ्रॉम गैस टू लिक्विड फेज बाइनरी फेज ही नहीं है ठीक है तो ये रीजन जो है मतलब जो लाइन मैंने ड्रॉ किया थोड़ा सा ब्रॉड इसलिए किया है कि इट्स अगेन uh, वो रीजन है जहाँ पेर इज देर इज अ डिलेमा इज इट अ गैस और इज इट अ लिक्विड वाला ठीक है ना ये ध्यान में रखना तो होता क्या है कि जैसे अगर मैं ये रीजन ले लूँ ठीक है दिस रीजन ये रीजन में प्रेशर कैसा है प्रशर इज हाई वॉल्यूम इज लो वेरी लो ऐसा रीजन नहीं है बहुत ज़्यादा प्रेशर है बहुत कम वॉल्यूम है इज इट इट ना वॉट डज दैट मीन इज इट अ गैस और इज इट अ लिक्विड यहाँ पे जो अपने को मिलता है जनरली मतलब नॉट एक्चुअली दिस पर्टिकुलर पिंक रीजन ठीक है ना मतलब बट यू कैन यू कैन से बेसिकली क्योंकि ये दिस इज गोइंग टू बी इन अ लिक्विड बट ये थोड़ा सा डाइसी रीजन है डाइसी बोले तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रीजन है यू कैन एक्चुअली साइंटिफिकली डिस्क्राइब इट अप्रोप्रिएटली फिर भी हम इसको डिस्क्राइब करते हैं सो लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे प्रेशर इज़ वेरी हाई ओके प्रेशर इज़ वेरी हाई एंड वॉल्यूम इज़ वेरी लो ऐसा रीजन ये वाला तो यहाँ पे क्या हो रहा है ठीक है ना सो so यहाँ पे इसको अपन बोलते हैं वेपर फेज क्या बोलते हैं वेपर फेज देखो यहाँ पे इट इज स्टिल इन मतलब गैस फेज में ही है ठीक है ना गैस फेज में ही है बट इसको अपन गैस ना बोलते हुए अपन वेपर बोलते हैं क्योंकि ये जो रीजन होता है यहाँ पे या फिर इवन इवन इन दिस केस इट्स नॉट श्योर कि कौन सा रीजन होता है देर इज नो शार्प लाइन्स लाइक दैट अपन ड्रॉ करते हैं एक्स्ट्रापोलेट करते हैं इसलिए बट यहाँ पे जो गैस होता है ठीक है ना इट हैज़ अ लिक्विड लाइक प्रॉपर्टी ओके दिस इज बेसिकली बिकम्स अ सुपर कूल्ड लिक्विड टाइप में ओके इट हैज़ अ लिक्विड लाइक प्रॉपर्टी इट्स अ गैस बट इट इज इट हैज़ अ लिक्विड लाइक प्रॉपर्टी ठीक है ना इट विल फ्लो एंड इट विल शो ऑल द थिंग्स बट देर इज नो क्लियर डिफाइंड बाउंड्री बाउंड्री नहीं होती है इसमें ठीक है ना जैसे अपने को लिक्विड और वेपर स्टेट में देर इज़ अ बाउंड्री हमेशा ओके okay? अपन अगर वाटर लेते तो अपने को दिखता है वाटर का लेवल यहाँ तक है इस तरह का लेवल ही यहाँ पे नहीं होता है ओके okay? कंटेनर को मैंने कम किया तो वो पूरे के पूरा ही कंप्रेस हो जाएगा अगर कंटेनर को मैंने बड़ा कर दिया वॉल्यूम बड़ा कर दिया तो पूरे के पूरा एक्सपांड भी हो जाएगा उंड्री no अपने को बाउंड्री दिखेगा ही नहीं इसलिए इसको अपन वेपर फेज बोलते हैं रादर दैन कॉलिंग इट अ गैस फेज समझ में आया क्या एंड दिस इज एक्चुअली यूज इन सम केसेस जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड ओके कंप्रेस्ड कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसको एज अ सॉल्वंट करके यूज करते हैं अपन सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट करके यूज करते हैं ड्राई क्लीनिंग में तुमको याद होगा ड्राई क्लीनिंग में वॉट इज ड्राई क्लीनिंग है ना ड्राई पानी से धोते हैं क्या कपड़े को <coughs> ऐसा कुछ होता है क्या नहीं ना ड्राई क्लीनिंग क्यों बोलते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर सॉलिड स्टेट में लेके जाए तो इसको ड्राई आइस बोलते हैं इजेंट इट शायद वो रीज़न है बेसिकली कि बिकॉज वी आर यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इट बिकम सॉलिड इन ड्राई इट बिकम सॉलिड इन लो टेम्परेचर और इसको अपन ड्राई बोलते हैं सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न लेकिन मेरे को ऐसा लगता है द रीज़न इट इज़ कॉल्ड ड्राई क्लीनिंग बिकॉज इट इज़ इट डजन वेट एनी थिंग दैट इज़ वाई इज कॉल्ड एज ड्राई क्लीनिंग और इसमें जो अपन सॉल्वेंट यूज़ करते हैं दैट इज अ बेसिकली कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड ओके कंप्रेस्ड अमोनिया भी यूज़ करते हैं या कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हो सकता है देर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सॉल्वेंट्स कंप्रेस्ड इसमें ओके okay? हो सकता है अमोनिया और ये दोनों में अमोनिया का स्मेल आता है तो शायद से वो ना यूज़ करता कोई दूसरा हो सकता है बट ट्रेडिशनली अगर देखा जाए ना तो कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं बेसिकली और इसको एज अ सॉल्वेंट करके यूज़ करते बट इट्स एक्चुअली अ गैस ध्यान में रहा इट्स नॉट अ लिक्विड हम अपन इसको लिक्विड जैसे जैसा नहीं धो रहे इसको इट बिहेव्स लाइक अ लिक्विड बट इट इज़ कंप्रेस्ड रहने की वजह से इट इज़ एक्चुअली अ गैस और इसको अपन एज अ लिक्विड सॉल्वेंट करके यूज़ करते हैं समझ में आया ना तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज ड्राई क्लीनिंग अंडरस्टूड है क्या और दैट्स बेसिकली दिस पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे अपन कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड एज अ सॉल्वेंट करके यूज कर रहे हैं एट अ वेरी हाई प्रेशर सिचुएशन ठीक है नाउ द नेक्स्ट थिंग ठीक है अगर मैं ये पॉइंट से कोई स्टार्ट कर रहा हूँ ओके आई हैव्स लिक्विड सॉरी आई हैव अ गैस और उसके ये पैरामीटर्स है टेम्परेचर प्रेशर वडेवर राइट एट दिस सो टेम्परेचर है 21.5 डिग्री सेल्सियस और वटेवर ट्वेंटी वन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसका इतना वॉल्यूम रहेगा और उसका अगर मैं एक्स्ट्रा पोलेट करूँ तो इतना प्रेशर रहेगा ठीक है ना वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर कम है क्वेश्चन इज इज़ इट पॉसिबल फॉर मी टू लिक्विफाई दिस गैस ओके विदाउट एक्चुअली गोइंग थ्रू बाइनरी फेज समझ में आया क्या इसको लिक्विफाई करना पॉसिबल है क्या विदाउट गोइंग थ्रू बाइनरी फेज तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा इस तरह का छलांग लगाना पड़ेगा बराबर है ना आई विल नीड टू जंप लाइक दिस सो दैट आई गो इन टू लिक्विड स्टेट विदाउट एक्चुअली गोइंग थ्रू बाइनरी फेज समझ में आया क्या दिस इज दिस हैज़ नो इम्पॉर्टेंस आई डोंट थिंक इट हैज़ एनी इम्पोर्टेंस बेसिकली मे बी इट डज मे बी आई डोंट नो ओके लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चन आए एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा मैंने एक्चुअली देखा नहीं है बट आई हैवंट सीन इट बट दिस इज ए इंटरेस्टिंग डिस्कशन इसलिए अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं नॉट फ्रॉम एग्जाम स्टैंड पॉइंट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली फॉर्मेट अ क्वेश्चन ऑन दिस बट इज इट पॉसिबल इज इट पॉसिबल टू गो फ्रॉम गैशियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट डायरेक्टली वी सी दैट यहाँ से तो अपन डायरेक्ट जाते ही है इज इट यहाँ पे अगर है इस पॉइंट पे अगर है सो वी कैन एक्चुअली डू दैट है ना एक पर्टिकुलर सेटअप पैरामीटर्स चेंज करके अपन जा सकते हैं लेकिन कौन से पैरामीटर टेम्परेचर प्रेशर किस तरह से अपन चेंज कर सकते हैं उसको ठीक है तो ये अपन देख रहे हैं फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन यहाँ से अपन डिस्कस करते हैं कि किस तरह से मैं डायरेक्ट लिक्विड स्टेट में जाता हूँ ओके सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट अपना सिस्टम ये पॉइंट पे है ठीक है तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले इसको हीट करूंगा ओके हीट करूँगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम ठीक है ना वॉल्यूम चेंज ना हो मतलब वॉल्यूम को लॉक कर दूंगा और गैस को हीट करूँगा अगर हीट करता हूं ठीक है ना अगर वी कांस्टेंट है और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो फिर प्रेशर इंक्रीज होगा टेम्परेचर और प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो यहां से यहां पर अपन जा रहे हैं, ठीक है यहां पर क्या कर रहे हैं अपन वॉल्यूम कांस्टेंट है टेम्परेचर को इंक्रीज किया और प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा ठीक है ना तो इसको अपन बोल रहे ठीक है थीके? ये पॉइंट पे आ गए अब अपन क्या करेंगे ये पॉइंट से ओके टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे अब मैंने देखो टेम्परेचर चेंज किया था टेम्परेचर इंक्रीज़ किया था ठीक है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आ गया अब अब क्या मैं क्या करूँगा टेम्परेचर कांस्टेंट रखूंगा ठीक है तो अब टेम्परेचर अगर कॉन्स्टेंट रखा तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट नहीं हो सकता तो मैं क्या करूँगा अभी कंप्रेस करूँगा इसको ठीक है ना टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखा अब मैं इसको कंप्रेस करूँगा पहले इसमें वॉल्यूम कॉन्स्टेंट था टेम्परेचर को चेंज किए अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रख रहे हैं और वॉल्यूम को अपन आ, चेंज कर रहे हैं वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं ओके सो दिस इज़ द लाइन वी गोना गेट ओके यहाँ पे अपने को अपन देखो अभी गैशियर स्टेट में ही है रिमेंबर okay? so स्टील इन अ कैशियस स्टेट ओके टू दिस पॉइंट और सो यू कैन से ठीक है या फिर मे बी यू कैन यू कैन यू कैन गो अप टू जी पॉइंट ठीक है ये पॉइंट तक आ गए तो ये पोजिशन पर अपन क्या कर रहे हैं देखो टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम अपन ने डिक्रीज किया तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ठीक है ना वॉल्यूम अपन डिक्रीज कर रहे हैं ओके okay, वॉल तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है इसको अपन बोले आइसोथर्मल कंप्रेशन क्या बोलेंगे इसको आइसोथर्मल आइसोथर्मल का मतलब होता है कि टेम्परेचर सेम है आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है ठीक है ना आइसोथर्मल कंप्रेशन ओके okay? यहां तक ला लिए अब हम क्या करेंगे यहां से ओके okay? इसको टेम्परेचर कम करेंगे अप टू एच ठीक है जब यहां पर आते हैं तो वी गेट दैट ब्लू लाइन ओके विच इज द इक्विलिब्रियम लाइन जहां पर वेपर और आ, ये स्टेट जो है वो को एग्जिस्ट कर रहा है एट द सेम टाइम ओके इसको फिर से अपन कूल cool करते हैं एट दिस पॉइंट ठीक है point, तो यहां पर मतलब ये इक्विलिब्रियम वाला लाइन जैसे ही अपन क्रॉस करेंगे अप टू डी पॉइंट

क्या हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक गैस यहाँ से लेके यहाँ तक गैस और जैसे अपन ने ये ब्लू लाइन क्रॉस किया ये गैसियस लाइन है ओके यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ पे गैसियस लाइन है और जैसे ही मैंने यहाँ से चेंज किया ओके ये चेंज किया दैट इज बेसिकली लिक्विड स्टेट क्लियर है क्या ओके सो दिस ऑल ये जो पूरे ब्लैक लाइन जो दिख रही है दैट इज बेसिकली लिक्विड स्टेट ओके और ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है दैट इज अ सॉरी ब्लैक लाइन इज बेसिकली है ब्लैक क्या है गैशियस स्टेट और तो यहां पर देखो अपन गैसियस गैशियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट डायरेक्ट आ रहा है विदाउट एक्चुअली गोइंग थ्रू दू नो चेंज फेस ओके जो है बेसिकली वेपर वेपर वाला वेपर uh, या फिर लिक्विड वेपर स्टेट लिक्विड गैस स्टेट ये स्टेट से न जाते हुए अपन डायरेक्ट आ रहे हैं यहाँ पे ओके okay? uh, ये थोड़ा सा ट्रिकी जैसे मैंने तुमको बताया कि दिस इज अ रीजन जहाँ पे द प्रेशर इज वेरी हाई तो यहाँ पे इट इज नॉट क्लियरली अ लिक्विड और नॉट क्लियरली अ गैस इट बिहेव्स लाइक अ वेपर ठीक है ना इट बिहेव्स लाइक अ वेपर और सुपर कूल्ड गैस बेसिकली जिसमें बोथ लिक्विड एज वेल एज वेपर स्टेट की प्रॉपर्टीज होती है एंड दैट्स एग्जैक्टली वॉट वी डू विथ जैसे मैंने ड्राई क्लीनिंग का एग्जाम्पल दिया उसके साथ अपन वही करते हैं बट थियोरटिकली इट इज पॉसिबल प्रैक्टिकली यू माइट नॉट एक्चुअली गेट सॉलिड रिजल्ट बट यू नो इट इट इज पॉसिबल टू गो फ्राम स्टेट डायरेक्टली इन टू लिक्विड स्टेट क्लियर है क्या uh, you know, um, ओके okay. सो ई ऑलरेडी नो वॉट द क्रिटिकल टेम्परेचर इज इज द मैक्सिमम टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड ठीक है ना इस टेम्परेचर के ऊपर गैस को अपन लिक्विफाई नहीं कर सकते इसेंशली अगर लिक्विफाई करना है किसी गैस को तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर अपने को मालूम होना चाहिए अगर ये क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के नीचे है तो अपने को उस गैस का भी टेम्परेचर कम करना पड़ेगा और अगर इस गैस का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के ऊपर है तो मैं इसको रूम टेम्परेचर पे कंप्रेस करके सिर्फ लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता हूँ ओके जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी लिक्विफाइड एट रूम टेम्परेचर बट गैसेस लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन हीलियम औरगॉन ये गैसेस का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है दैट इज़ वेल बिलो द रूम टेम्परेचर ये रूम टेम्परेचर पर कभी भी लिक्विड स्टेट में नहीं जाएंगे स्टेट में जाएंगे बिकॉज इफ यूम वेरी टाइटली में ही रहेंगे लेकिन में जाएंगे. Um, ये जो होते है, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर के नीचे है इनको अपन बोलते हैं परमनंट गैसेस क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे कभी भी लिक्विड स्टेट में नहीं जाएंगे ओके ठीक है प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ द गैस ओके जो प्रेशर होता है और जो प्रेशर होता है फॉर वन मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर तो ये क्रिटिकल पॉइंट जो होता है उस पर जो रहेगा उसको अपन क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम बोलेंगे तो ग्राफिकली तुम यहाँ पे देख सकते हो सो यू कैन सी दिस इज़ द क्रिटिकल प्रेशर एंड दिस इज द क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाईऑक्साइड एंड दैट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर ओके okay, तो ये पॉइंट पे जो तीनों पैरामीटर्स एग्जिस्ट करते हैं प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर इसको अपन क्या बोल रहे हैं क्रिटिकल ठीक है टेम्परेचर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन क्योंकि टेम्परेचर अगर क्रिटिकल जो गैस का जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे है ठीक है तो ही अपन इसको लिक्विफाई कर सकते अदरवाइज नहीं कर सकते ठीक है रिमेंबर वी कैन नॉट चेंज द क्रिटिकल टेम्परेचर इट्स अ कॉन्स्टेंट हर इसके लिए वाटर का भी एक क्रिटिकल टेम्परेचर है जो अपन ने लास्ट में थ्री सेवेंटी थ्री कुछ तो भी था रही यू रिम्बर सो दट दैट्स अ क्रिटिकल टेम्परेचर दैट इज़ अ कॉन्स्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस ठीक है ये अपन चेंज नहीं कर सकते लेकिन उस गैस का टेम्परेचर अपन कम कर सकते हैं या उस सब्सटेंस का टेम्परेचर अपन कम कर सकते हैं ठीक है थीके? तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो भी प्रेशर और वॉल्यूम रहेगा उसको अपन क्या बोल रहे हैं क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम सारे गैसेस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम ये तीनों पैरामीटर्स फिक्स्ड होते हैं इनकी वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है फॉर एनी गैस वी कैन कैलकुलेट क्रिटिकल वॉल्यूम फॉम वेंडरवॉल्स कॉन्स्टेंट रिमेंबर वेंडरवाल्व के कॉन्स्टेंट ए और बी थे ओके okay? ये दो कॉन्स्टेंट थे वेंडरवाल्व के तो उन दोनों से अपन निकालते हैं इसका डेरीवेशन बड़ा ही ट्रिकी डेरीवेशन है सो आर नॉट गोइंग टू लुक एट इट और ये तुमको कोई पूछेगा भी नहीं डेरीवेशन यू नीड टू रिमेंबर दीज इक्वेशं दो क्रिटिकल वॉल्यूम के लिए थ्री एन बी एन इज बेसिकली द मोल्स ऑफ द गैस बी इज द वेंडर वॉल्स कॉन्स्टेंट ठीक है बी कॉन्सटेंट लेते अपन वॉल्यूम के लिए इसीलिए ये वॉल्यूम के टर्म में तुमको दिख रहा है ठीक है ना क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए ये इक्वेशन यूज करते हैं एट ए बाई ट्वेंटी सेवन बी आर ठीक है ए और बी दोनों कॉन्स्टेंट यहाँ पे आ रहे हैं क्रिटिकल प्रेशर के लिए भी देखो क्रिटिकल प्रेशर ए डिवाइडेड बाई ट्वेंटी सेवन बी स्क्वेर ये तीनों इक्वेशंस तुमको ध्यान में रखने हैं ठीक है मेमोराइज कर लो ओके okay. सबसे आसान जो है मेमोराइज करना दैट इज़ क्रिटिकल वॉल्यूम या थ्री एन बी देट इज क्रिटिकल वॉल्यूम ओके दूसरा अगर तुम ये देखो तो डिनोमिनेटर में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों में ट्वेंटी सेवन बी आ ही रहा है यहाँ पे एक एडिशनल बी आ गया सो दिस इज ट्वेंटी सेवन बी स्क्र यहाँ पे ट्वेंटी सेवन बी आर ठीक है बी स्क्वायर आ गया तो आर नहीं है स्क्वायर नहीं है तो आर एस विच यूर प्रोसेस यू आर नो रिमेंबर एंड देन यू हैव एट ए इन द न्यूमेरेटर यहाँ पे ए यह है सिर्फ तो किसी एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप के थ्रू तुम ये तीनों इक्वेशन ध्यान में रख सकते हो थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचोगे तो हो भी जाएगा ओके नेक्स्ट क्रिटिकल स्टेट उसका जो आ, आ, क्या बोलते इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है क्रिटिकल स्टेट का ओके okay, वो अपन निकाल सकते हैं इफ़ वी नो दिस थ्री वैल्यूज ठीक है ना क्रिटिकल प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ये अगर वैल्यूज़ अपने को मालूम है तो कंप्रेसिटि फ्लैक्टर एट क्रिटिकल स्टेट वो भी निकाल सकते हैं अपन सो so, ये ना आसान सा है पी वी बाय टी है ना आर तो ये अपना जो था बेसिकली रिमेंबर z इज़ इक्वल टू पी वी बाय आर टी यही था तो अपन क्या कर रहे हैं सिर्फ अगर मैं सारे क्रिटिकल वाले ले रहा हो तो z भी क्रिटिकल हो गया तो यहाँ पे अगर मैं सारे वैल्यूज़ ऐड कर देता हूँ ओके okay? तीनों के वॉल्यूम प्रेशर एंड टेम्परेचर ओके सो व्हाट वी एक्चुअली गेट ओके इज सी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव देखो ये सारी चीज़ें कैंसल हो जाती है मतलब वॉल्यूम ये ऐड कर रहा हूँ मैं टेम्परेचर ये ऐड कर रहा हूँ एंड प्रेशर ये ऐड कर रहा हूँ ठीक है और जब तुम रख के करोगे ना तो सारी चीज़ें कैंसिल हो जाती है बेसिकली यू आर लेफ्ट विथ थ्री बाई एट एंड यू गेट जीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव ये बुक में नहीं मिलेगा तुमको ये एडिशनल है ठीक है न इसका मतलब क्या होता है यू कैन वेरीफाई दैट इफ द गैस इज वेंडरवॉल्स गैस फाइंडिंग बाय कम्प्रेसबिलिटी फैक्टर ठीक है जेडसी इफ इट इज इक्वल्स अगर जेड सी इक्वल तुम्हारा मतलब जो भी गैस है उसका जेडसी अगर आ जाता है ज़ीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव देन द गैस इज द वेंडर वॉल्स गैस मतलब रियल गैस एंड इट कैन बी कंप्रेस्ड इफ नॉट देन इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक आइडियल गैस तो इसको तुम कंप्रेस नहीं कर सकते okay? तुम इसको तुम लिक्विफाई नहीं कर सकते इट दैट इज द मीनिंग ऑफ इट ओके तुम इसको आइडियल गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते मतलब रियल गैस को ही तुम लिक्विफाई कर सकते हो मतलब एंडरवॉल्स गैस को ही तुम लिक्विफाई कर सकते हो तो उसके लिए अपने सी का वैल्यू कितना आना चाहिए जीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव ये क्लियर है क्या हमने लास्ट इसमें देखा था वेंडर वॉल्स गैस कांस्टेंट ए और बी ठीक है लेकिन ये हमने देखा नहीं कि इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं ठीक है डिटरमाइन अब देखेंगे बेसिकली किस तरीके किया जाता है रिमेंबर दैट वेंडर वॉल्स गैस कांस्टेंट जो थे ए और बी दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट ठीक है इनको कैलकुलेट करना आ, आसान नहीं है तो हम इनको एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं फ्रॉम क्रिटिकल कंडीशंस ठीक है एक्सपेरिमेंटली ही निकाला जाता है इनको तो so, सारे कैसेस का ए और बी जो है वो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है तो निकाला जाता है बाय नोइंग द क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन ठीक है देखो वी सी इज इक्वल टू थ्री आर टी सी बाई पी सी ओके थ्री ए बाई एट पी सी ठीक है ये क्रिटिकल वॉल्यूम का इक्वेशन है राइट और ए निकालने के लिए अपन ये यूज करेंगे थ्री पी सी वी सी स्क्वेयर वी सी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे बेसिकली ये वाली ठीक है एंड देन बी के लिए वी सी बाई थ्री इस तो आप मेरे को वी सी मालूम रहना चाहिए मतलब देखो क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर अगर मालूम है तो मैं वी सी कैलकुलेट कर सकता हूँ ओके okay? और एक बार वी सी कैलकुलेट कर लिया तो वाई कैन यूज़ दीज टू इक्वेशंस टू कैलकुलेट ए एंड बी क्लियर है क्या नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट अपन देख रहे हैं देट इज़ कॉल्ड एज बॉल्स टेम्परेचर ओके इसको इंडिकेट किया जाता है बाय टी बी ओके इंडिकेट्स बॉइल्स टेम्परेचर ठीक है ना लेट से वी हैव एन आइडियल गैस तो आइडियल गैस का अगर मैं जेड बाई पी ग्राफ प्लॉट करता हूँ या फिर इवन जस्ट जस्ट वॉल्यूम बाय प्रेशर या पी वी बाय सॉरी पी वी बाय पी पी वी बाय पी प्लॉट करता हूँ ठीक है ना आइदर बाय आइदर जेड by पी और पी वी P पी प्लॉट करता हूँ। तो अगर आइडियल गैस है तो मेरे को स्ट्रेट लाइन मिलेगा बॉयल्स ग्राफ में isn't it? लेकिन अगर आइडियल गैस नहीं है तो मेरे को अलग ग्राफ मिलेगा और दैट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर सो लेट्स say वी डू इट एट लो टेम्परेचर 200 हंड्रेड तो अपने को ये ग्राफ मिल रहा है टू हंड्रेड ठीक है ना पहले निगेटिव डिविएशन फिर पॉजिटिव डिविएशन ऐट हाई प्रेशर ये अपने को ग्राफ मिल रहा है एट टू हंड्रेड कैलविन बट टेम्परेचर अब इंक्रीज करता हूँ टू तो 500 हंड्रेड तो मेरे को ये ग्राफ मिल रहा है एंड देन आई इंक्रीज द टेम्परेचर टू थाउजेंड सो ये ग्राफ मिल रहा है क्या दिख रहा है तुमको टेम्परेचर बढ़ा रहे अपन तो ये जो ग्रा, जो ग्राफ है दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टूवर्ड्स आइडियालिटी है ना पूरी तरह से तो आइडियल बिहेवियर नहीं हुआ लेकिन आइडियालिटी की तरफ डेफिनेटली जा रहा है एज़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर इज एंड तो जो टेम्परेचर पे अपने को आइडियल बिहेवियर मिलता है उस टेम्परेचर को अपन बोलते हैं बॉयल टेम्परेचर ओके तो यहाँ पे Z इज इक्वल टू वन रहेगा एट दैट टेम्परेचर समझ में आया? प्रेशर कंडीशन अपने को देखना पड़ेगा अगेन नीड लो प्रेशर हाई टेम्परेचर कंडीशन जहाँ पे तुमको आइडियल बिहेवियर मिलेगा लेकिन टेम्परेचर जो टेम्परेचर राइट जिसपे अपने को आइडियल बिहेवियर मिल रहा है उस टेम्परेचर को अपन बोल रहे हैं बॉयल टेम्परेचर ओके okay. इसको अपन इस तरह से कैलकुलेट करते हैं अगेन यूजिंग वेंडरवॉल्स इक्वेशन वेंडरवॉल्स गैस कांस्टेंट टी बी इज इक्वल टू ए बाई बी आर इस तरह से अपन बॉयल टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर गैस समझ में आ गया ठीक है ए और बी उस गैस के लिए स्पेसिफिक है इसीलिए हर गैस का एक बॉयल टेम्परेचर अलग रहेगा अंडरस्टूड है सो इज इज द टेम्परेचर जहाँ पे अपने को आइडियल बिहेवियर मिलता है और राइट right. जो लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर दिस चैप्टर इज़ मीन फ्री पाथ ठीक है ये फिज़िक्स में तुमको ज़्यादा अच्छे से कवर होगा मैं ब्रीफली कवर कर रहा हूँ करवा रहा हूँ क्योंकि ये फिज़िक्स में तुम्हारा ज़्यादा अच्छे से होता है कैनेडिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ओके वी डोंट एक्चुअली यूज़ इट एज मच इन केमिस्ट्री दैट्स वाई इट्स नॉट एक्चुअली मैंडेटरी केमिस्ट्री के बुक्स में ये तुमको नहीं मिलेगा ठीक है एटलीस्ट um, जो अपने सी बी एस सी के जो बुक्स होते हैं उसमें नहीं मिलेगा कंपिटेटिव एग्जाम्स के बुक में तुमको मिल जाएगा सो इट इज एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इसको अपन लैमड़ा से इंडिकेट करते हैं ठीक so है सो मान लो कि काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स हैं किसी कंटेनर में ठीक है और कोई मॉलिक्यूल ट्रैवल कर रहा है तो हर मॉलिक्यूल एक एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बिफोर इट एक्चुअली कोलाइड्स ठीक है ना जैसे ये मॉलिक्यूल इस तरफ जा रहा है एंड देन इट विल कोलाइड दिस मॉलीक्यूल विल गो इन दैट डायरेक्शन इट विल को लाइट विद सम मॉलिक्यूल समझ में आ रहा है क्या सो इसेंशियली हर मोलिक्यूल एट सर्टन इंटरवल कोलिजन फ्री ट्रैवल करेगा ठीक है कोलिजन फ्री ट्रैवल कर रहा है एंड आफ्टर सर्टन टाइम और इट विल इनकाउंटर बेसिकली समर मॉलिक्यूल बराबर है ना जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल रहेंगे इस एरिया में उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे कोलिजन के उतनी ज़्यादा प्रॉबिलिटी रहेगी कोलिजन की इज इट सो वी नीड टू नो कि ये जो मॉलिक्यूल्स है वो कितना उनकी कोलिजन फ्रिक्वेंसी क्या है ठीक है इसको अपन बोल रहे हैं मीन फ्री पाथ मतलब कब तक ये ट्रैवल करेंगे विदाउट कोलिजन विद अदर पार्टिकल ठीक है समझ में आएगा मीन फ्री पाथ का डिफिनेशन फ्री पाथ बोले तो फ्री ट्रैवल बेसिकली विदाउट कोलिजन ठीक है ना तो इसको अपन इक्वेशन में लिखते हैं लैमड़ा इज इक्वल टू एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड ट्रेवल पर सेकंड ठीक है ना एंड नंबर ऑफ कोलिजन्स पर मॉलिक्यूल पर सेकंड कितने डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है पर सेकंड में ओके एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड और उस एक सेकंड में उसने कितने कोलिजनस किए इसका अगर रेशियो लेता हूँ मैं तो मेरे को पता चलता है कि द टाइम एट विच इट वॉज इट वॉज गोइंग फ्री बेसिकली एंड दिस इज एवरेज रिमेंबर दैट ओके दिस इज एवरेज डिस्टेंस फॉर ऑल पार्टिकल्स इसीलिए इसको अपन मीन फ्री पाथ बोल रहे हैं ठीक है और इसको इस इक्वेशन से दिया जाता है अगेन डेरिवेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर इज जस्ट गिवन बाय दिस एंड इसको अपन यूज़ भी नहीं करते ओके नॉट फॉर कैलकुलेशन पर्पजेज एक्चुअली नॉट इन केमिस्ट्री ठीक है फिजिक्स में तो कोई यूज़ आएगा इसका ठीक है इक्वेशन देखो आर टी इज इक्वल्ड अंडर टू पाए डेल्टा स्क्वायर ठीक है दैट इज बेसिकली द डायमीटर ठीक है ये जो डेल्टा साइन है दैट इज बेसिकली डायमीटर ऑफ द पार्टिकल ठीक है डेल्टा स्क्वायर एन नॉट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओके एन नॉट का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड देन पी इज द प्रेशर ठीक है सो दैट इज द इक्वेशन रिलेशनशिप ही ध्यान में रखो इसमें लैमड़ा का रिलेशनशिप डायरेक्ट विथ टेम्परेचर मतलब कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो मीन फ्री पाथ भी बढ़ेगा ओके okay? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मीन फ्री फाथ पाथ बढ़ेगा मतलब देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये ज़्यादा रैपिडली ट्रेवल कर रहा है ठीक है एंड इफ़ यू कैलकुलेटेड दैन यू सी मतलब इज्स थोड़ा लॉजिकली समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बेसिकली बट इफ़ यू कैलकुलेटेड यू गेट दैट द टेम्परेचर इंक्रीज होने से लैमड़ा की वैल्यू बढ़ती है ओके एंड देट्स वाई देर इज़ ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड मीन फ्री पाथ और प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है अब जब मैं कंप्रेस करूँगा मान लो वॉल्यूम कम कर दिया तो छोटे वॉल्यूम में ज़्यादा गैस पार्टिकल्स आ गए और ज़्यादा गैस पार्टिकल्स आ गए तो इनमें कोलिजन बढ़ेगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो मीन पाथ क्या हो जाएगा कम हो जाएगा Understood है क्या है तो यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है मीन फ्रीपाथ हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ टेम्परेचर एंड इनवर्स इन्वर्स रिलेशनशिप विथ प्रेशर ठीक है ये चीज़ तुम ध्यान में रखो एक और चीज़ पॉइंट आउट करना जो डायमीटर है उसका और मीन पाथ का इसका भी इनवर्स रिलेशनशिप है इट नंबर ऑफ पार्टिकल्स का भी और इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो मीन थ्री पाथ क्या हो जाएगा कम हो जाएगा बराबर है डायमीटर बढ़ेगा ऑब्वियसली बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो ये ज्यादा कोलाइड होंगे इट छोटे मॉलिक्यूल्स जो है वो कम कोलाइड होंगे सो अगेन डायमीटर का भी इनवर्स रिलेशनशिप है ओके सो रिलेशनशिप्स ध्यान में रखो ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लार्जर द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल स्मॉलर इज द मीन बड़ा मॉलिक्यूल है तो ज्यादा कोलाइड होंगे ओके एंड दैट्स वाई है ना मोटे लोग ज्यादा टकराते एक दूसरे से होता ही है ओके तो मीन फ्रीपात क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ग्रेटर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉलर इज द मीन फ्रीपात इन्वर्स रिलेशन एंड नॉट के साथ इज एन टेड इन्वर्स रिलेशनशिप रहने की वजह से अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ गए एक छोटे से वॉल्यूम में ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ गए तो मीन फ्री पात कम हो जाएगा टेम्परेचर के साथ इन्वर्स रिले सॉरी टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है टेम्परेचर ज़्यादा तो मीन फ्री पाथ ज़्यादा और प्रेशर के साथ हाइयर इन्वर्स रिलेशनशिप है प्रेशर बड़ा करेंगे तो मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा ये एक रिव्यू क्वेश्चन है दिस इज द लास्ट वन फॉर टुडे एंड फॉर द चैप्टर ओके इफ टू गैसेस वन हेवियर देन द अदर आर रिलीज फ्रॉम टू एंड्स ऑफ अ क्लोज्ड ट्यूब तो ये कहाँ मिलेंगे बताओ चलो इसका आंसर देख लो तुम बेसिकली के सबसे पहले तो इमेजिन करो कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन तो एक ट्यूब है एक ट्यूब है ठीक है देर इज अ गैस ए दैट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन गैस बी इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन ओके एंड टू एंड्स इन अ क्लोज ट्यूब है तो एनी वे इज फाइन सो अपन ये यही कर रहे हैं रिलीज कर रहे गैसे इसको ठीक है मॉलिकुलर वेट ऑफ ए इज़ गेट ग्रेटर दैन मोलिकुलर वेट ऑफ बी मतलब ए इज़ द हेवियर गैस हो गया तो ए जो है इसका जो वालासिटी रहेगा दैट इज गोइंग टू भी लो ओके इसका डिफ्यूजिंग कैपैसिटी इज गोइंग टू भी लो बट जो ये बी गैस है ये लाइट गैस है ये ज़्यादा रेपिडली ट्रेवल करेगा इस डायरेक्शन में तो अपने को कहीं बीच में ये मिलेंगे सो दे विल मिट क्लोजर टू द हेवियर गैस रिमेंबर दैट इसका जो डिफ्यूजिबिलिटी है दैट इज़ लो इसकी वेलासिटी कम है कैनेटिक एनर्जी कम है लेकिन जो छोटा गैस होता है उसकी कैनेटिक एनर्जी ज़्यादा ज़्यादा रैपिडली मूव हो रहा है सो so, ये जनरली उसके हाफ ए पॉइंट के राइट हैंड साइड लेफ्टाइड में ये मिलेंगे टुअर्ड्स द हेवियर गैस ठीक है सो आई एम ग्लैड कि मोस्ट ऑफ़ यू गैस गॉट दिस वन राइट देखो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं जहाँ पर तुमको सोचना पड़ता है ओके okay? एंड यूज द इक्वेशंस अपन ने ये ग्राम्स uh, इक्वेशन में देखा था बेसिकली ग्राम्स इक्वेशन ऑफ डिफ्यूजन है ना उसमें देखे थे ये सारे इक्वेशंस तो यहाँ वो वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे अप्लाई करना है टू गेट द राइट आंसर ओके सो विद दिस बेसिकली देर इज द एंड ऑफ गैशियस टेट ठीक है ना दिस इज द एंड ऑफ गैशियस टेट तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से करो स्पेसिफिकली ये जो आइडियल वाला जितना भी बिहेवियर था ओके आइडियल बिहेवियर इक्वेशन उसके बाद जो अपने रियल बिहेवियर वाला जो इक्वेशन देखा था ओके रियल बिहेवियर या डिविएशन फ्रॉम आइडियलिटी वो जो कॉन्सेप्ट्स देखे थे वो को, मतलब ये चैप्टर के ऊपर भी तुमको जनरली कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके जो कैलकुलेशन होते हैं थोड़े ट्रिकी होते हैं बट दे आर नॉट डिफ़िकल्ट इसको सॉल्व करना पड़ता है अप टू सर्टन पॉइंट एंड देन यू गेट द आंसर